अनुराग जी, आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, यू डिड नॉट असिस्ट एनी डायरेक्टर, एग्जैक्टली आपकी एंट्री बॉलीवुड में कैसे हुई? लंबी कहानी है, नहीं बोलूंगा मैं शुरू से बोलूंगा भी नहीं, लेकिन क्या बॉलीवुड में जब मैं आया पहले यहाँ पे, जब थिएटर करता था, थिएटर करते करते जब लोगों से ऑफिस के बाहर बैठा होता था, मुलाकात करनी बड़ी मुश्किल थी, लेकिन फिर मैंने सोचा जिस तरह फिल्म सेट पे घुसा जाए, तो फिल्म सेट पे घुसा और कई तरीकों से घुसा मैं, जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं बैकग्राउंड डांसर भी रहा, मेकअप असिस्टेंट भी रहा, फोकस पुलर, बैकग्राउंड डांसर है, मेकअप असिस्टेंट, हाँ सब ये सब किया मैंने। उसके बाद इसके असिस्टेंट रहे मेकअप में पंडरी दादा होते थे उस, अच्छा तो उनके कुछ असिस्टेंटों का असिस्टेंट था एक्चुअली में, किस हीरोइन का मेकअप किया? टेलीविजन में उस वक्त, टेलीविजन, ओके ओके। उसके बाद कई पीछे मैंने दो तीन फिल्मों में ऐसे डांस किए, और मैं नाम एकदम मत पूछा क्योंकि YouTube में वो सारे गाने हैं और मैं उसमें दिख जाता हूँ, और मेरे असिस्टेंट मेरा बहुत हंसी उड़ाते हैं। फिर ग्रेजुएशन के बाद जब थर्ड ईयर में ग्रेजुएट हो गया, नंबर उम्बर ठीक आ गया, उसके बाद फिर सोचा छह महीने अपने आपको वक्त दूंगा, नहीं होगा तो बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम ए वेरी ऑर्थोडॉक्स बंगाली फैमिली जहाँ कैरियर पढ़ाई लिखाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उस छह महीने में ही फिर मैं डायरेक्टर बन गया। देन आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग तारा, विच वॉज टीवी सीरियल, उसके बाद से चल रहा है। छोटा आंसर था भाई, वेल डन सर, काफी कंसाइज कर दिया हमने। हाँ, बड़ी लंबी कहानी को छोटी कर दी। रणबीर बड़ी गंभीरता से सुन रहे हैं, रणबीर क्या सोच रहे हैं आप? No, actually, yeah, it's so interesting, you know, when I hear stories of Dada and all these filmmakers, because I've been born in a film family. Correct. So how easy it's been for me to enter. So would it be right to say you were born with a silver spoon and आपका आपकी जो एंट्री है बॉलीवुड में बहुत ही तो गोल्डन स्पून, बट क्या होता है कि आपकी पहले फिल्म के बाद वो गोल्डन स्पून निकल जाता है, और जल्द निकल जाता है, जल्द निकल, बिकॉज आपको माइक्रोस्कोप से लोग बैठ के, करेक्ट, बट यू नो हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स आई हैव हैड इट वे मोर इजियर देन सो मेनी पीपल, बट रियली अमेज्ड कि यू नो दादा कहां से आए, कहां से शुरू किया उन्होंने और आज कैसी फिल्में बना रही है, सच अ रिस्पेक्टेड फिल्म मेकर, ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग द एंटायर फिल्म इंडस्ट्री वांट्स टू वर्क विद ऑल द एक्टर्स, सो रियली वेल डन दादा।